बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 26 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो इस पार्ट नंबर 26 में हमें जो है वो इसी एडमिन जो हम अभी एडमिन पैनल बना रहे हैं, हमने अभी तक लॉगिन किया है, अब हम एडमिन पैनल जो है डैशबोर्ड जो है उसका वो हम बना रहे हैं। तो इसी डैशबोर्ड को हम आगे ले जाते हैं, हम इसी डैशबोर्ड को बनाएंगे। जैसे आप देखेंगे फाइनल प्रोजेक्ट में हमें ये चीज ऐड करनी पड़ेगी इसमें, तो जिसकी वजह से मैं प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे इसी बोर्ड पे मैं जाता हूँ, इसी तरह मैनेज कैटेगरीज पे क्लिक करते ही मैं यहाँ पे कैटेगरीज को ऐड कर सकता हूँ, सब कैटेगरीज को फिर ऐड कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स को फिर ऐड कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को ऐड किया, तो अब मुझे यही काम करना है। सबसे पहले मैं खाली जो है ये डैशबोर्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड पे मैं गया, मुझे ये डैशबोर्ड बनाना है, डैशबोर्ड ये सारा मुझे लिखना है अभी। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि यहां से लेके यहां तक एक रो है, और इस रो में जो है यहां तक तीन हिस्से हैं या चार हिस्से होंगे, तो बाकी के जितने बचते हिस्से हैं वो यहां तक है, यहां से लेके यहां तक। तो सबसे पहले मुझे यही बनाना पड़ेगा। तो यहां तक मुझे सबसे पहले एक रो लेना, रो पहले तो यहां से लेके यहां तक एक रो आएगा। रो में यहां तक कॉल डैश फोर जो हमने या कॉल डैश थ्री जो हमने हिस्से किए हैं वो हम लेंगे यहां तक, ठीक है। तो इसके लिए मैं काम करूंगा, जो मैंने इतना भी कोड लिखा था जो जहाँ पे ये शॉपिट वगैरह आता है, ये मैंने एडमिन पिछले ट्यूटोरियल में एडमिन एसेंशियल्स में लिखा था। तो एडमिन एसेंशियल्स में मैं जाता हूँ, ये यहाँ पे लिखा था ये वाला कोड मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नेविगेशन में अब जाता हूँ, ये मैं सारा नेविगेशन में लिखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पीएचपी के टैग्स जो है वो क्लोज करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एचटीएमएल को एम्बेड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे होगा, तो यहाँ पे मैं एक ड्यू बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ड्यू बनाऊंगा ड्यू, और इस ड्यू का क्लास रखूंगा मैं, ड्यू क्लास जैसे आपको पता है इज इक्वल टू रो। और इस ड्यू को मैं क्लोज करता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने पूरा का पूरा जो है वो रो ले लिया। यहाँ पे रो को हमने ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है कि रो एक पूरा जो है ये वाली पूरी जगह लेगा, विड्थ इज इक्वल टू 100%, इसको हमने डिफाइन किया हुआ है। और पैडिंग, और इसको हमने पैडिंग भी फिर वो वॉल्स के साथ -15 की थी, क्योंकि कंटेनर में 15 पिक्सल्स होती है और रो में वापस वो मार्जिन जो है -15 लेकर वॉल्स के साथ दोबारा स्ट्रेच हो जाता है। तो वो मुझे खैर बोलने की जरूरत नहीं, वो आपने देखा हुआ है पिछले ट्यूटोरियल्स में। तो यहाँ पे रो के अंदर अब मैं तीन हिस्से ले लूंगा। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू क्लास इज इक्वल टू, रो के अंदर मैं ले लूंगा इज इक्वल टू कॉल डैश थ्री, ठीक है। तो इस ड्यू को मैं क्लोज करूंगा। यहाँ पे कॉल डैश थ्री जो है मेरा, इसका मैं और एक क्लास दे दूंगा, यहाँ पे मैं इसका नाम रखूंगा, कुछ भी रख सकते हैं, मैं एक क्लास बनाऊंगा एडमिन डैशबोर्ड या एडमिन नेविगेशन। एडमिन नेविगेशन मैंने एक क्लास बनाया इसका। तो एडमिन नेविगेशन को मैं स्टाइल करता हूँ, अब सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसी को स्टाइल बनाता हूँ। यहाँ पे एडमिन डॉट सी एस एस में मैं जाता हूँ, तो एडमिन नेविगेशन का नाम का क्लास जो बनाया मैंने उसकी स्टाइलिंग के लिए मैं देखता हूँ कि क्या वो काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट एडमिन नेविगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अंदर एडमिन नेविगेशन में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज टू हैश। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड के लिए क्या करूंगा, मैं अगर प्रोजेक्ट में देखूंगा अपना जो मेरा पुराना है, तो यहाँ पे ही देखूंगा इसका बैकग्राउंड, इस पर एलिमेंट करके कि मैंने कौन सा कलर दे दिया इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर इसका जो है वो आ गया सामने। तो ये मैंने फोटोशॉप की वजह से दे दिया है इसमें, फोटोशॉप में कलर कोडिंग जो है वो मैंने की हुई थी। तो आप कोई भी कलर से कलर दे सकते हैं, मैं यही कलर इसमें प्रेफर कर रहा हूँ, तो मैं यही दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करूंगा, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं, क्योंकि मैं इसको अब फिलहाल मिन हाइट देता हूँ, जो इसकी मिन हाइट है वो मैं देता हूँ मिन डैश हाइट इज 10px, ठीक है। मिन हाइट जो है इसकी वो मैंने 10px दे दी, ठीक है। मेन हेड 10px, बट ये नहीं चलेगा अभी, क्योंकि हमने इस नैव को कॉल करना है। अब ये चलेगा, ठीक है। तो ये चलेगा, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर आ गया, HTML देना है हमने, HTML लिखा हुआ है, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा HTML.navigation, सेव। नेविगेशन कौन सी फंक्शन है, नेविगेशन मेरी ये वाली फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो मगर आप देख सकते हैं यहाँ आ गया, ये यहाँ क्यों आ गया, अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो यहाँ जो ये आप जो मेरा ये है कॉल थ्री जो ऊपर वाला है शॉप जिसमें लिखा हुआ है,
ये थोड़ा सा नीचे यहाँ तक जगह ले रहा है, तो जिस वजह से ये इधर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये नीचे जगह ले रहा है। तो अगर मैं इसकी जो है इसकी यहाँ पे जो है विड्थ चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं इसका साइज कम करता हूँ सॉकेट का, क्योंकि ये नीचे तक आ रहा है जिसकी वजह से ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं एडमिन डॉट सीएसएस में जाऊँगा, देखो डिफॉल्ट डॉट सीएसएस में, तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये मैं कम करता हूँ, मैं 70% कर देता हूँ, सेव। अगर 70% मैंने की तो ये छोटा हो गया, दैट मीन्स ऊपर आ गया। अगर मैं अब देखता हूँ इसका अब कॉल 3, तो ये ऊपर यहाँ तक ही आ रहा है हाइट में, तो और ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो इसी तरह करना है। तो इसके बाद क्या करूँगा मैं, बढ़ते आगे एडमिन डॉट सी एस एस बैकग्राउंड दे दिया मैं, इसकी मीन हाइट जो है, मीन हाइट नहीं दे दूंगा मैं, इसकी मीन हाइट जो है वो दे दूंगा मैं 500, मैं इसको फुल स्क्रीन पे दे जाऊंगा, मैं देता हूँ 570 pixels। तो ये 570, बट ये मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से ये एरो आ जाए, मतलब ये स्लाइड बार आ जाए, मैं इसको 560 कर देता हूँ या 65 कर देते हैं, सेव। अभी भी इसको 60 ही करना पड़ेगा। पे भी आ रहा है, इसको इससे भी कम करना पड़ेगा, मैं करता हूँ 555। तो अब गायब हो गया। अब मैं यहीं पर लाना चाहता हूँ वो डैशबोर्ड, जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड मैनेज कैटेगरीज, मैनेज सब कैटेगरीज, तो ये चीजें मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले काम करूंगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ ड्रीम व्यूअर में जाता हूँ और यहाँ पे एडमिन एसेंशियल के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लानी है ये चीजें। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू, ठीक है, या ड्यू नहीं लिखते, लिखेंगे अब यहाँ पे हम सीधे लिखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, और यहाँ पे लिखते हैं एफ ए डैश डैशबोर्ड, ठीक है। मैं जरा चेक कर लेता हूँ इसको, तो ये डैशबोर्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे स्पेस चाहता हूँ मैं, डैशबोर्ड और डैशबोर्ड के दरमियान में स्पेस चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखता हूँ, बस इतना ही करना है, सेव, हो गया। अब चाहता हूँ मैं कि ये एक तो ये जो है एक तो ये अंडरलाइन नहीं आना चाहिए और ये नंबरिंग स्टाइल जो है ये नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसके लिए मैं एडमिन नेविगेशन को ही फोकस करता हूँ, कॉपी करता हूँ, डिफॉल्ट में चला जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एडमिन डॉट सी एस एस में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट एडमिन डॉट सी एस एस, ठीक है। मगर ये क्या है, ये एक लिस्ट है मेरे पास, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो मैं इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में पहले लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जहाँ जिस तरह यहाँ ऊपर लिखा था मैंने, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये एल आई जो है यहाँ पे, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूंगा, खाली नैव दे दूंगा, क्लास नैव, ठीक है, ये आप बाद में देखेंगे क्लास नैव क्या है, फिलहाल हमने इसको ऐसे ही सेव करना है और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो ये डैशबोर्ड जो है यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब ये यूएल के अंदर आ गया, ठीक है, यूएल के अंदर एक एल आई आ गया। तो यहाँ पे दूसरा एल आई जो है वो मैं कॉपी करूंगा ऐसे ही, दूसरा लिस्ट, उसमें क्या आएगा हमारे पास, उसमें आएगा मैनेज कैटेगरीज, क्या हमने वही बनाया है, हम चेक करेंगे, यस, मैनेज कैटेगरीज, मैनेज सब कैटेगरीज, मैनेज प्रोडक्ट्स, मैनेज कैटेगरीज, मैनेज सब कैटेगरीज, इसी तरह हम लिखेंगे मैनेज प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैनेज प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे इनके लिए हम अलग से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश डैश लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे लिखेंगे हम, लिस्ट पे यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, इसको मैं सेव कर लेता हूँ,
यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्यूब्स ठीक है, तो क्यूब्स आ गया यहाँ पे ठीक है। और हमें इनकी अब स्टाइलिंग करनी है, हमें पहले देखना है कि इसको अंडरलाइन ना आ जाए, तो मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करता हूँ, किसको इस क्लास क्लास एडमिन नेविगेशन में जो यूएल में जो एल आई आएगा, तो यहाँ पे एडमिन नेविगेशन में यूएल में जो एल आई आएगा उसको मैं लिखता हूँ लिस्ट डैश स्टाइल लिस्ट ना, लिस्ट डैश स्टाइल इज इक्वल टू नन, और मैं लिखूंगा कि टेक्स्ट डैश डेकोरेशन इज इक्वल टू नन, लेकिन वो एंकर टैग के लिए लिखना है, तो वो मैं डिफॉल्ट मतलब रीसेट रूल्स में भी लिख सकता हूं, तो मेरे रीसेट रूल्स मैंने रीसेट रूल डिफॉल्ट में भी डिफॉल्ट डॉट सीएसएस में डिफाइन किया हुआ है, तो मैं यहीं पर डिफाइन करूंगा। मैं लिखूंगा अगर एंकर टैग आएगा कहीं पे तो उसको उसको txt टेक्स्ट डैश dcorapi फॉरन जो डिफॉल्ट होगा वो नन रखना, तो अब ये एंकर टैग कहीं पे भी नहीं आएगा, अंडरलाइनड अब कहीं पे भी नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। वन सेकंड, मैंने इसको सेव किया टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फोकस कर रहा हूँ ए को, मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट डैश डेकोरेशन इज इक्वल टू DECORATION, ठीक है, सेव टेक्स्ट डैश डेकोरेशन इज इक्वल टू नन, तो ये अंडरलाइन जो है वो हट गई। तो अब क्या करना है मुझे, फर्दर मुझे ये काम करना है, मैं इसको पैडिंग डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड एडमिन में, तो यूएल में जो एल आई है इसकी पैडिंग डाल देते हैं 5px, तो पैडिंग भी आ गई ठीक है। पैडिंग के बाद अब मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कलर, कलर किसका चेंज करना है एंकर का, तो मैं यही लिखूंगा यूएल में जो एल आई है उसमें जो एंकर है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, तो यहाँ पे एंकर टैग, यहाँ पे लिखूंगा कलर इज टू हैश 000 ब्लैक कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये ब्लैक कलर में आ गया। अब इसमें एक लाइन लगी हुई है, ये लाइन ऑरेंज कलर की जो लाइन है, मैं इसको इंस्पेक्ट पे एलिमेंट करके देखता हूँ कि इसका कलर कौन सा है, तो यहाँ पे ये कलर है F60 ठीक है, F60 मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मैं आता हूँ कलर, और जो ये एल आई है इसी को मैं देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर डैश बॉटम 1px सॉलिड ठीक है हैश F60, और मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये भी आ गया ठीक है। अब क्या रहता है इसमें, तो मुझे लगता है आज के ट्यूटोरियल में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि हम इस ट्यूटोरियल में इतनी ही सेटिंग्स वगैरह पे ही फोकस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।